प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा टाइप्स ऑफ द मेथड एंड उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इस सेशन में हम देखेंगे इनहेरिटेंस क्या है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस अवेलेबल है पाइथन के अंदर एंड उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब तक हमने देखा क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करते थे कि एक क्लास बनाते थे और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे। वही ऑब्जेक्ट से हम क्या कर सकते थे, उसी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक से, जैसे कि मेरे पास एक से ज्यादा क्लासेस है और एक क्लास की प्रॉपर्टीज, जैसे कि प्रॉपर्टीज मानो कि उसके मेथड्स हैं, उसके मेंबर्स हैं, वो मुझे यूज करने हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर क्लास ऑब्जेक्ट, तब हम लोग इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। मतलब कि एक क्लास की प्रॉपर्टी हम लोग दूसरे क्लास के अंदर इनहेरिट कर सकते हैं। ओके, सो जैसे कि मेरे पास कोई एक क्लास है ए, जिसके अंदर मेरे पास दो मेथड है, एंड आई हैव अनदर क्लास बी जिसके अंदर दो अलग मेथड है। सो बी क्लास के ऑब्जेक्ट के मदद से मैं ए एंड बी दोनों की मेथड्स, दोनों की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकती हूँ। सो वो हुआ इनहेरिट, हम लोग अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट करते हैं। तो यहाँ पे ए जो क्लास है वो मेरी सुपर क्लास हुई और जो मेरी बी क्लास है वो मेरी चाइल्ड क्लास हुई। हमारे ऊप्स के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंट के अंदर 5 types ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं। ओके, बट कोई लैंग्वेज ऐसी भी है, जैसे कि ले लो कि जावा, जो मल्टीपल और हाइब्रिड सपोर्ट नहीं करती है, बट पाइथन है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की पांचों के पांचों इनहेरिटेंस को यूज कर सकती है। सो यही यहाँ पे बोला है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करती है पाइथन। नाउ क्लासेस कैन इनहेरिट फ्रॉम अदर क्लासेस। इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है कि एक क्लास दूसरे क्लास के अंदर इनहेरिट होती है। ओके, नाउ जो इनहेरिट होती है तो वो क्या करती है कि अदर क्लास की सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकती है। ओके, उसके सारे एट्रीब्यूट्स, उसके सारे बिहेवियर्स, मेथड्स, वो सब कुछ वो यूज कर सकता है। अब आप सिंटेक्स के बारे में बात करें, सो ये मेरी बेस क्लास है और ये मेरी डिराइव क्लास है। तो डिराइव क्लास के आगे पैरेंथेसिस के अंदर हम बेस क्लास का नाम लिखते हैं। सो ये क्या हुआ कि आपकी ये चाइल्ड क्लास के अंदर आपने बेस क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। सो ये हुआ मेरा सिंपल इनहेरिटेंस। मतलब कि चाहे मेरी ए क्लास है, ओके, वो बी क्लास है, सो नाउ बी क्लास कैन एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ ए क्लास। सो ये हुआ मेरा सिंपल इनहेरिटेंस। इसको हम सिंपल इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं और हम उसको सिंगल इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ ये हुआ मेरा फर्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो इसके अंदर क्या होता है कि मेरे यहाँ पे ए क्लास है, ओके, एंड यहाँ पे बी क्लास एंड सी क्लास। नाउ बी क्लास के अंदर मैं एक्सटेंड कर रही हूँ ए क्लास को, दैट मीन्स बी कैन एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ ए। नाउ यहाँ पे मैंने सी क्लास के अंदर मैंने एक्सटेंड किया है बी क्लास को, ओके, सो सी कैन एक्सेस प्रॉपर्टी ऑफ बी क्लास, बी कैन एक्सेस प्रॉपर्टी ऑफ ए क्लास। सो इनडायरेक्टली सी कैन ऑल्सो एक्सेस प्रॉपर्टी ऑफ ए क्लास, ओके, लाइक दिस। सो ए टू बी एंड बी टू सी, दैट इज मल्टी लेवल। नाउ है हायरार्किकल। सो इसके अंदर मेरी ए क्लास है और आई हैव अ बी क्लास, सो बी कैन एक्सेस प्रॉपर्टी ऑफ ए, ओके, एंड सी ऑल्सो कैन एक्सेस प्रॉपर्टी ऑफ ए। सो हमारी एक क्लास दो क्लास के अंदर भी इनहेरिट हो सकती है। जैसे कि आई हैव ए क्लास एंड आई हैव अ बी क्लास एंड सी क्लास, ओके, सो बी एंड सी बोथ आर सिबलिंग्स, बी कैन नॉट एक्सेस प्रॉपर्टी ऑफ सी, सी कैन नॉट एक्सेस प्रॉपर्टी ऑफ बी, ओके, बट बोथ कैन एक्सेस प्रॉपर्टी ऑफ ए। सो यहाँ पे बी का पेरेंट ए है, सी का पेरेंट ए है, ओके, एंड ए हैव अ टू चाइल्ड, बी एंड सी। नाउ
मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो यहाँ पे मेरे पास दो क्लासेस है। नाउ सी एक्सटेंड कर रहा है बोथ द क्लासेस, सो सी कैन एक्सेस प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द क्लासेस। ओके, सो इफ आई हैव ए क्लास, आई हैव अ बी क्लास एंड आई हैव वन चाइल्ड ऑफ बोथ द क्लास। ओके, सो दैट इज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसके बाद है हाइब्रिड। नाउ हाइब्रिड इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल। ओके, सो इफ आई हैव ए क्लास एंड आई हैव अ बी क्लास, सो दिस इज अ सिंपल और अ सिंगल इनहेरिटेंस। सो वो हमने यहाँ पे किया है ए एंड बी, और जिसके अंदर हमने ए को एक्सटेंड किया हुआ है। नाउ अब क्या करना है, मल्टी लेवल। सो आई हैव अनदर डी, सो ए टू बी, बी टू डी, दैट इज ए टू बी। सो बी के अंदर ए को एंड डी के अंदर भी बी को एक्सटेंड किया हुआ है। नाउ थर्ड इज हायरार्किकल, सो सी, सी कैन हैव बोथ। सो ये मेरा फिगर, सिर्फ इतना फिगर हुआ है हायरार्किकल का। सो ए टू बी एंड ए टू सी, बी एंड सी आर सिबलिंग्स, सो वो हुआ हायरार्किकल। नाउ मल्टीपल, सो बी एंड सी हैव वन क्लास विच इज डी। सो यहाँ पे क्लास सी हैव ए, सो दैट इज अ हायरार्किकल। नाउ बी एंड सी विच इज इन अ डी, दैट मीन्स दैट इज अ मल्टीपल। सो हाइब्रिड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इनहेरिटेंस। ओके, सो ये सारे इनहेरिटेंस के लिए अभी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं कि उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो हम देखते हैं सिंपल इनहेरिटेंस का डेमो। सो आई हैव वन क्लास ए, ओके, इन दैट आई हैव वन मेथड विच नेम इज अ ए डेटा। ओके, नाउ आई वॉन्ट टू प्रिंट समथिंग इन दिस कि मेथड ऑफ ए, ओके, नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट अनदर क्लास बी। ओके, इन दैट आई वॉन्ट डी ई एफ बी डेटा and I want to print method, okay, it will be in string, so method of b, okay। अभी मैं आपको without inheritance बताती हूँ। so I'm going to create a object of b, और विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट आई कैन ओनली कॉल बी डेटा। इफ आई वॉन्ट टू कॉल ओ बी डॉट ए डेटा देन इट विल नॉट अलाउ मी, बिकॉज उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस, इट विल शो मी एरर। सो सी, बी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ए डेटा, तो बी के अंदर ऐसी कोई ए डेटा नाम की कोई मेथड है नहीं, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है नहीं, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करूंगी, बी के अंदर हम ए को इनहेरिट करेंगे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस, मैंने रन किया इसको। सी, मेथड ऑफ बी एंड मेथड ऑफ ए, सो लाइक दैट B का ऑब्जेक्ट A एंड B दोनों की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है, बिकॉज दे हैव अ रिलेशनशिप। सो चाइल्ड कैन एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट। इसके बाद देखते हैं मल्टी लेवल। सो इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट क्लास C, ओके, एंड आई वॉन्ट टू इनहेरिट क्लास B इन दैट, ओके, एंड आई वॉन्ट वन मेथड विच इज C डेटा। Now I want to print method of C. Now, अभी भी B की मदद से तो मैं ये काम कर सकती हूँ, ओके? Now, अब मैं क्या करूंगी, जो ये मैं ऑब्जेक्ट है वो C का करूंगी, ठीक है। Now I have one class C, class B and class A.
ओके नाउ सी बी का प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है, बी ए का प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है. सो इनडायरेक्टली सी कैन एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑल्सो. सो यहाँ पे बी एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू कॉल सी डेटा. ओके नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस सी. सो आप सारी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हो. सो ये हुआ आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. नाउ अब हम देखते हैं हायरार्किकल. सो आई हैव अ क्लास ए बी एंड सी. मल्टी लेवल के अंदर हमने बी को यहाँ पे किया. नाउ आई वॉन्ट अ सिबलिंग्स, बी और सी को सिबलिंग्स बनाना, मतलब बी एंड सी बोथ आर इनहेरिटिंग ए. ओके जब मैं इसको रन करूंगी यहाँ पे सी का पेरेंट बी नहीं है और फिर भी मैंने बी का मेथड कॉल किया हुआ है तो ये मुझे एरर शो करेगा. गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस. सो सी सी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट बी डेटा. नाउ इसको मैं रिमूव कर लूंगी. अब इसको मैं रन करती हूं. ओके सो मेथड ऑफ सी मेथड ऑफ ए. तो इसके बाद हम देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस. सो यहाँ पे मेरे पास ए क्लास है, बी क्लास है, जिसके अंदर मैं किसी को भी इनहेरिट नहीं करती हूँ, एंड यहाँ पे ए एंड बी दोनों को. तो इन शॉर्ट सी है जो ए एंड बी दोनों की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है. ओके सो यहाँ पे मैंने सी का ऑब्जेक्ट बनाया. नाउ सी की मदद से मैंने सी का डेटा कॉल किया, ए का डेटा कॉल किया, अब मैं बी का भी कर देती हूँ. सो ऑब्जेक्ट डॉट बी डेटा. नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस. ओके सो लाइकवाइज यू कैन कॉल. यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन है कि मेरा जो सी क्लास है वो ए एंड बी दोनों को इनहेरिट कर रहा है. नाउ अगर ए एंड बी दोनों के पास सेम मेथड है, जैसे कि मैं यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक मेथड है गेट डेटा. ठीक है नाउ आई एम राइटिंग दैट इन ए. सेम मेथड इफ आई हैव इन बी. ओके और यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ इसको बी से. ओके ये सब रिमूव कर देती हूँ. यहाँ पे ओबी डॉट गेट डेटा. ओके नाउ ए के पास भी गेट डेटा है, बी के पास भी गेट डेटा है. नाउ दोनों में से कौन सी गेट डेटा ये कॉल करेगा, राइट? सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं. सो उसने ए का किया. नाउ यू कैन सी यहां पे मैं ए एंड बी लिखा है. अब मैं लिखूंगी बी एंड ए. नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट सो बी. ओके सो ये उसी क्लास को प्रेफरेंस देगा जो यहाँ पे आपकी फर्स्ट क्लास होगी. ओके सो अगर मैंने मल्टीपल किया है एंड बोथ द क्लास हैव अ सेम मेथड, तो यहाँ पे जो पहले क्लास लिखी हुई है उसको वो मोर प्रेफरेंस देगा. ओके दीज आर दी इनहेरिटेंस. आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो. ये आपके कोड को बहुत छोटा बना देता है, आप कोड को रीयूज कर सकते हो. इस सेशन में हमने देखा कि इनहेरिटेंस क्या है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के इनहेरिटेंस है, एंड उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोग प्रिंट फंक्शन के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं, हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम दी कीवर्ड.